वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं खुशखा। ये बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। चावल, प्याज, पुदीना, भिगोए हुए बीन्स, लौंग, चकला, इलायची, नमक, हरे मिर्च, तेल, फूड कलर। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब एक पतीला लेंगे और उसमें तेल डालकर तेल गरम होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें लौंग, चकला, इलायची, तेजपत्ता डाल लेंगे। अब हम प्याज डाल लेंगे। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम हरे मिर्च ऐड कर लेंगे। और अब बीन्स ऐड करेंगे और उसे भी भूनेंगे। अब इसमें पुदीना डालेंगे और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 4 या 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें फूड कलर मिला लेंगे और ढककर उबाल आने तक पकने देंगे। अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। अब 10 या 12 मिनट तक इसे ढककर पकने देंगे। अब हमारा खुशखा पककर रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे। अब हम इस पर 2 स्पून घी डालेंगे और पुदीने से गार्निश कर लेंगे। ये खुशखा दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप ये दाल की रेसिपी ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं।